हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसमें मैं शिवानी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताना चाहती हूँ, जो हर तरह की धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आपके घर में यहाँ वहाँ पीपल का पौधा उगता हुआ आपने देखा होगा, जिसे आप सोचते हैं कि ऐसे ही उगाता है, अनवांटेड तरीके से उगाता है। अब यही पीपल धन संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। क्या आप ये बात जानते हैं? क्या कहा नहीं जानते? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। बस करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लेना है। ध्यान रहे, यह पत्ता जमीन पर गिरा हुआ ना उठाएं, और ना ही पत्ता पीला होना चाहिए और ना ही कटा फटा। एक हरे रंग का साफ सुंदर पत्ता शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपको पेड़ से तोड़ लेना है। अगर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है तो फिर बात ही क्या, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब उस पत्ते को पहले आप साधारण जल से धो लीजिए और फिर गंगा जल से धोकर उसे स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे गीला कर लीजिए और अनामिका उंगली, सीधे हाथ की रिंग फिंगर से पत्ते पर महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रिये नमः ये लिखिए। उसके बाद मंत्र पर चुकटी भर चावल, जो कि टूटे हुए ना हो, वो चढ़ा दीजिए और चावल समेत उस पत्ते को महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखकर उसकी धूप दीप के साथ आरती कीजिए। उसके बाद चावल सहित उस पत्ते को उठाकर फोल्ड कर लीजिए और उस पर एक मोली बांध लीजिए, जिससे उसमें रखे चावल जो हैं वो बाहर ना निकलें। और उस पत्ते को अब अपने पर्स में या जिस भी चीज़ में आप पैसे रखते हैं, जिस भी चीज़ में आप अपने कमाए हुए पैसे रखते हैं, गल्ला हो, पर्स हो, तिजोरी हो, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसे इस तरह से रख लीजिए कि कोई उसे देख ना पाए। और एक बात, कुछ दिन बाद जब ये पत्ता सूख कर पीला पड़ जाएगा तो आप फिर से एक नया पत्ता लेकर दोबारा से इस उपाय को कर लीजिए। लेकिन ये उपाय सिर्फ शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही करना है, और फिर देखिए महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।